बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो वली होते हैं उनको ना खौफ होता है ना वो गमगीन होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो इंसान मेरा बन जाता है, मेरे महबूब का बन जाता है, तो उसकी इज्जत और उसकी मोहब्बत मैं लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। इसकी मिसाल नायब शेखुल इस्लाम पीर ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर देखी कि जब भी ये खबर मिली कि आपका विसाल हो गया है तो दुनिया भर के लोग जो ही इस बात को सुना उनकी आंखें अश्कबार हो गई और दिल तड़प उठे, आपके हिजर की कैफियत महसूस हुई। तो ये एक रूहानी ताल्लुक होता है, यही ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंतहाई महबूब होता है। आज पीर साहब की आस्ताना आलिया सियाह शरीफ में रस्म कुल अदा हुई। इस मौके पर पीर पठान ख्वाजा हजरत अताउल्लाह तौसवी ने आपके लखते जिगर ख्वाजा मोहम्मद जियाउल हक सियालवी साहब की दस्तारबंदी फरमाई। इस मौके पर हजरत ख्वाजा पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की और मुल्क भर से अकीदतमंद यहाँ तशरीफ लाए। आइए देखते हैं चंद क्लिप्स कि जिसके अंदर दस्तार बंदी और रस्म कुल अदा की गई। मुअज्जत नाज़रीन, मेरी ये इल्तिजा है कि जब ये क्लिप्स देखें और एक बार सूरत अल-फातिहा और तीन बार कुल शरीफ पढ़कर इस बरगुजीदा हस्ती हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब को इसाल करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और अपने इस रूहानी ताल्लुक को मजबूत।